बोरोसिल किचन। बोरोसिल किचन में बनाएंगे इंस्टेंट प्लम केक। भाई साल का वो समय है जब हम सबको प्लम केक खाने की बड़ी इच्छा होती है। भाई जहां मेरा जन्म हुआ था ना खड़गपुर, वहां पे सिर्फ एक बेकरी होती थी जिसका प्लम केक बहुत फेमस होता था, और सर्दियों के समय में जब प्लम केक मिलता था मजा आता था खाने में। हम जाके उस समय 5 पैसे में एक स्लाइस खाया करते थे, हैं वो जमाना और आज का जमाना। चलिए वो जमाने को भी याद रखते हैं और आज इंस्टेंट प्लम केक बनाते हैं। तो सबसे पहले ग्लास बोल और उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं। ये बोरोसिल के जो बोल्स हैं, ये बनता है स्पेशल बोरोसिलिकेट ग्लास से, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स बेयर कर लेता है। और सबसे मजे वाली बात यह है कि आपके डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाता है, राइट भाई। इसी में खाना रखो, परोसो, गर्म करो, जैसे आपकी इच्छा होती है वैसे आप कर सकते हैं। तो मेरे पास है क्रैनबेरीज, ये लीजिए क्रैनबेरीज डाल लेते हैं। रेजिन्स, जितने मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो लगभग आपने 1 कप के आसपास लेने हैं। और कैंडीड ऑरेंज पीस, कैश्यू नट्स, डेट्स, टूटी फ्रूटी, ये लीजिए। और हम इसमें आमंड डाल, ऑलमोस्ट लगभग 1 कप ले लिया। ये 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, ये मैं डाल रहा हूं, 1/2 टीस्पून नटमेग पाउडर, और इसमें हम डालेंगे ऑरेंज जूस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मिक्सिंग के लिए, जूस में आप क्रैनबेरी जूस डाल सकते हैं, ऑरेंज जूस डाल सकते हैं। तो जी इसमें लगभग 1.5 कप ऑरेंज जूस डालें और इसको मिक्स कर लें। आइडियली अगर ओवरनाइट रख दें, जैसे कल अगर आपने केक बनाना है और आज रात को रख दें और फिर कल केक बनाएं, इंस्टेंट वाला फॉर्मूला होटलों में तो जी कम से कम 1.5 महीना लगता है ना, तो इसको अलग रख लेते हैं। तो जी नेक्स्ट है बोल ले लेते हैं, ये लीजिए बोल, दिस इज ऑल्सो बोरोसिल, 200 ग्राम पाउडर्ड शुगर। अब इसमें डालेंगे 100 ml of oil. तो I've got this beautiful beaker. तो अब इसको whisk करना है और हमारे पास सारे solution है from Borosil. This is ready. अब ये तैयार, ये बढ़िया। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्विक एंड इजी। मेरे पास एक बहुत यूनिक सी छन्नी है, इसमें 200 ग्राम मैदा ले लेते हैं और इसमें मैं लगभग 50 ग्राम कोको पाउडर डाल लेता हूं, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, ये लीजिए डाल के छान लेते हैं। किचन में यूनिक चीजें हो तो काम करने का मजा ही कुछ और रहता है। और मेरे साथ रहेंगे ना, सारे आसान तरीके बताऊंगा मैं आपको। ये लीजिए, ये छान लिया, इसमें वेनिला एसेंस 1 टीस्पून, योगर्ट 80 ग्राम दही, ये लीजिए, एंड इसको मिक्स करते हैं। और हम अपने जो फ्रूट्स हैं जिनको हमने सोक करके रखा ऑरेंज जूस में, वो भी ले, ये पहले डाल लेते हैं सारे फ्रूट्स। वाह, सॉफ्ट हो गए, खास तौर से ऑरेंज पील, रेजिन्स, क्रैनबेरीज, टूटी फ्रूटी, सब सॉफ्ट हो गए, इवन द नट्स एक्चुअली सारे सॉफ्ट हो जाते हैं, राइट। नटमेग का फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट है और सिनेमन का,
इसको मिक्स करते हैं और धीरे धीरे हम अपना ऑरेंज जूस इसमें डालेंगे। तो जी जब तक हम केक पूरा मिक्स करें ना, हम अपना ओटीजी भी तैयार कर लेते हैं। मेरे पास है बोरोसिल का ओटीजी। अब इसमें खास बात क्या है, देखिए ग्लास सी थ्रू पैनल है, आप देख सकते हैं। सेकेंडली नॉब्स इजी टू यूज है, आप आसानी से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 180 पे सेट कर रहा हूँ। आप कौन से मोड पे बेक करना चाहते हैं, अलग अलग मोड से, तो मैं बेकिंग मोड पे इसकी तैयारी कर लेता हूँ। लगभग 45 मिनट्स के लिए सेट कर देता हूँ। तो जी हमारा मिश्रण तैयार है और ये रहा बोरोसिल का बेकवेयर। थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेते हैं। बोल के नीचे बटर पेपर लगाना है, तो जब राउंड बोल हो तो क्या करेंगे आप, स्क्वायर बटर पेपर लेंगे, पहले ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे इस तरह से, ठीक है, उसके बाद वापस एक और ट्रायंगल, वापस एक और ट्रायंगल, एंड देन अप्रॉक्सीमेटली आप सेंटर से इस तरह से मेजर कर लेंगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ये रहा, मार्क कर लीजिए। ये लीजिए और इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से राउंड। ओ जी सिंपल है जी, ये लो एकदम बढ़िया राउंड तैयार। अब इसको इस पे बिछा देते हैं। यू कैन स्टिल कट मोर, ठीक है, और भी काट सकते हैं आप, और मिश्रण इसमें डाल लेते हैं। अब बेकिंग की तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा सा टैप कर लेते हैं, ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं, जस्ट टू मेक इट श्योर कि ये और बेहतरीन लगे दिखने में। ऑरेंज पील कैंडी ये डाल लेते हैं, ये लीजिए, थोड़े से आमंड्स डाल लेते हैं, एंड सम टूटी फ्रूटी। वाह, अब हम तैयार हैं अपना इंस्टेंट प्लम केक बेक करने के लिए। तो हमारे ओटीजी भी तैयार है बिल्कुल, जैसे मैंने प्री हीट किया हो। यू हैव टू बेक फॉर 45 मिनट्स एट 180 डिग्रीज एट द बेकिंग मोड, ठीक है जी। बेकिंग मोड बोरोसिल का क्लियर है एकदम, किसमें बेक करना है, किसमें रोस्ट करना है, तो इसको हम अंदर डालते हैं। और जी हमारा केक बिल्कुल तैयार है। अब ये लीजिए, एकदम बढ़िया, और चेक करने का तरीका आपको पता ही है भाई, ये ऐसी एक स्टिक लें और इसके अंदर डालें, एकदम क्लीन बाहर आए, जब हाथों में भी ना चिपके, तो समझ जाइए केक बिल्कुल अंदर तक पका है। केक देखिए ऊपर से भी बढ़िया फुला हुआ है, चॉकलेट फ्लेवर है, करके डार्क है, और जो प्लम केक्स होते हैं वो ज़्यादातर डार्क है। और आप क्या कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है, आप आइसिंग शुगर ऊपर से डस्ट करें, ऊपर से चेरीज लगाएं, या फिर टूटी फ्रूटी डालें, ऑरेंज पील डालें, और बिल्कुल चाय के साथ स्लाइसेस निकालें और परोसें, बिल्कुल मज़ेदार है। अजी मेरे पास है बोरोसिल किचन, क्योंकि बोरोसिल है तो इजी है, और शेफ हरपाल है ना, तो हर रेसिपी आसान है। इंस्टेंट प्लम केक बना के खाइए, मज़ा आ जाएगा।